खास है कि आपने अपनी डिशेस में उधर शरीफ रखे कार्रवाई का आगाज कर सकते। दूसरी दरखास्त हुआ जिसमें कुछ जो कोई नहीं सुनता जो हरकत की जाती हुई कि खुदा ना अपने मोबाइल फोन जो है उनके ऊपर बैठ जाए। आज हम यहाँ जिस बात के लिए जमा हुए हैं वो वाकया बहुत पुराना है, संतरपत का वाकया है और आमतौर पर इसकी तारीख जो है वो 8 जुलाई होती है, लेकिन बावजूद इसको 9 जुलाई पर रखना पड़ा। खवातीन रज़ा जी जनपद खवातीन रज़ा, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ देख रही है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम अभी तक कम से कम याद रखने की कुव्वत तो रखते हैं। जो लोग अपने विरसे से जुड़े हुए होते हैं उससे आगे ही रखते हैं, जो उसे अपना निशान समझते हैं वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ एक दुख भी है और वो ये कि बहुत सारे साथी जो इसमें मौजूद थे जिनके नामे गरामी मैं लूंगा आपके सामने, वो हमारे साथ न रहे, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, इसे क्या कहा जा सकता है। देखिए रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, ये मजामियत अपने हकूक के लिए लड़ना की हिफाजत करना, ये इंसान का बुनियादी हक है। अगर आप उसकी इंटेलेक्चुअल जड़ें देखें तो वो आपको फ्रांस में रेजिस्टेंस में नजर आती हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में नजर आती हैं, और उसके बाद के अंदर आपने देखा वो जमाना जब सांस और औरत बटरसल दोनों इकट्ठे हुए और ये बात हुई कि अमरीका का जंग कर रहा है कि वियतनाम में इसके खिलाफ एक कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए और एक्टिविज्म के हवाले से बहुत से लोगों को 1968 फ्रांस के अंदर याद होगा कि कितनी बड़ी मूवमेंट हुई और साथ जो सारे यूरोप में फैल गई जिसमें ये कहा गया कि हमारे हकूक तलबा के हकूक खास तौर पर माने जाने चाहिए और वो माने गए, न सिर्फ एक वो माने गए बल्कि साथ ने उस रैली से खिताब किया 1968 में और ये कहा कि माय चिल्ड्रन यू हैव ब्रॉडन द होराइजंस ऑफ पॉसिबिलिटी, सो वी हैव कम हियर टू कमेमोरेट पीपल हु ब्रॉडन द होराइजंस ऑफ पॉसिबिलिटी। We have come here to remember them, to commemorate them, and we have come here to make a promise that as we say here, we are looking back to look forward. अभी जब मैं वहां बैठा हुआ था तो एक नौजवान मेरे पास आए और कहने लगे कि 3 नवंबर 2007 में जब इमरजेंसी लगी थी तो लाहौर में उसके खिलाफ उसके खासा एहतजाज किया, लेकिन वो स्टूडेंट बॉडी अपनी जगह पर एक ऐसी तंजीम नहीं बन सकी जो चल सके, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से हमने उस पर काम करना शुरू किया है और NSF जो है वो दोबारा उसको रिवाइव कर रहे हैं और बड़ी हद तक उन्होंने उसे दोबारा जिंदा किया है। पंजाब में खासतौर पर अब वो सिंध का दौरा कर रहे हैं और यहाँ भी उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खुशहाल बात है, यहाँ मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत सारे नौजवान तलबा तालिबात बैठे हुए हैं, ये भी इसीलिए आए होंगे कि ये जानना चाहेंगे कि वो 1953 क्या था जिसे हम याद करने के लिए यहाँ आए हैं आज। और अगर लोगों के अंदर ये अब तक मैं बहुत हैरान हूँ कि इतने बहुत से लोग आज यहाँ आ गए, मुझे नहीं उम्मीद थी, लेकिन अगर ये मौजूद है कि हम ये जान सके कि इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस to fight for your rights, to demand what is yours, not to be treated as an object, but to be a subject, to be there to lead,
not to be led. If we know that, we know what our heritage is. And to connect to that is to connect to a past which will live in you into the future. With that, I'm very grateful that you've listened to my harangue. And now we will begin a slideshow which has been organized. The slideshow, please. Tani Jara. मैं पढ़े देता हूँ ये आगे चले राष्ट्रशाह दिस इज जैन 2007 वी आर एट जनवरी 2007 नाउ बताएं इसमें बहुत ज़्यादा ये तो आप पढ़ पा रहे हैं अच्छा मैं पढ़ता जाता हूँ The first slide, let's begin again, Yasir Sahab, let's begin again. The students' bodies were Democratic Students Federation, Inter-Collegiate Body, All Pakistan Students Organization, APSO, High School Students Federation, HSSF. Next slide, please. This is an excerpt from an interview by Dr. Sarwar. We never ever discussed party politics under the DSF banner. We talked in general of the students' benefit and for public benefit. We wanted more schools to be set up, better libraries, laboratories, teachers. We were able to do this because we kept politics out of it. You can't succeed by setting up separate organizations in the colleges. 1949, Down Medical College students began meeting to discuss their problems. Democratic Students Federation formed at a meeting at Avadh Restaurant, Mission Road, Karachi. Same year, Intercollegiate Body formed, connecting colleges across the city. December 4, 1952, meeting at all of Karachi colleges passed resolutions demanding basic rights, asking Education Minister to meet the ICB representatives. January 7, 1953, demands by demonstration, including High School Student Federation, defying Section 144 and police tear gas. This is the turning point. March to Education Minister's house, students and passerby killed. Police arrest students, student leaders, hundreds of students sit in dharna till their release. Release students announce Martyrs Day protest for the following day, that is January 8, 1953. Education Minister meets ICB delegation in the presence of VC Halim. 2 hours of discussion, promises to look into the demands. January 8, 1953. This is the milestone. Martyrs Day, students, 10,000 strong, mile-long peaceful procession. Complete strike in high schools in protest at police action of January 7, 1953. January 9, 1953. Miscreants loot wine shops and ammunition shops despite curfew. Police and administration allow the looting and rioting compared to cut down to the students' peaceful procession. 27 people lost their lives in these 3 days, over 400 injured and 1,000 arrested.
January 9 onwards, student strikes and protests in Dhaka, Lahore, Pindi, Sakhar, Sialkot, Peshawar, Lalpur, Montgomery, and other places. Miscreants loot wine shops and ammunition shops despite curfews. Police and administration allow the looting and rioting compared to crack down on students' peaceful procession. 27 people lost their lives in these 3 days, over 400 injured and 1,000 arrested. January 9 onwards, student strikes and protests in Dhaka, Lahore, Pindi, Sakhar, Sialkot, Peshawar, Lalpur, Montgomery and other places. 20,000 strong protests in Dhaka against police action in Karachi. Complete strike in all education institutions. Lahore, students complete strike, 20,000 at Gayabana, Namaz-e-Janaza. January 4, 53. Protests around the country, including in East Pakistan. ICC delegation meets Prime Minister Khaja Nazimuddin, who accepts most of their demands. January 6, 1953. Students decide to hold a national convention. Dr. Sarwar appointed chairman of the convention. February 1653, inquiry committee into Asaf Jilani. January firing incident announced. February 1853, ICB delegation meets with Gurmani, Minister of Interior, in regard to inquiry committee to demand suspension, removal and transfer of officials concerned. Delegates include Sayyid Iqbal Ahmad, VP SN College, Muizuddin Farooqi, GC Urdu College, Khaja Adil Ahmad, GS Law College, and Sarwar Sahab as chairman of the convention. Students' activism throughout the year around the country. ICB delegation begins visits to Multan, Lahore, Rawalpindi, Hyderabad, Peshawar, and Lalpur to gather support for all Pakistan students' convention.